कोविड-19 यानी कि कोरोना संक्रमण की महामारी के इस दौर में सबसे बड़ा चुनौती कोविड-19 के अलावा जितने भी पेशेंट्स हैं जिसके पास अलग अलग बीमारियां हैं और उनका ट्रीटमेंट लगातार जो चल रहा था, जो लोग आश्रित थे कि एम्स जैसे तमाम जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं वहाँ जो लोग पहुँच रहे थे इलाज के लिए, वहाँ पर जो है एक दौर ऐसा रहा जहाँ पर ख़ास तौर से लोगों को इलाज कराने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में जब सरकार के संज्ञान में ये सब मामला आया तो उन्होंने साफ किया कि हर मरीज़ को इलाज मिलना ज़रूरी है, और ऐसी स्थिति में यहाँ ख़ास तौर से जब हम एम्स में खड़े हैं तो एम्स जैसे अस्पताल में ख़ास तौर से तमाम जो जो बीमारियाँ हैं, जो डिपार्टमेंट है अलग अलग लेवल पर, वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। अभी कुछ एक ऑफ कैमरा हमारी कुछ मरीज़ों से बात ज़रूर हुई जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी है कि थोड़ा बहुत लेट ज़रूर हो रहा है लेकिन स्थितियाँ अभी तक जो है बिल्कुल ठीक हैं, और जो कोविड-19 के अलावा जितने भी पेशेंट्स हैं, तमाम जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग अपने मरीजों का इलाज कराने के लिए आते हैं उनका इलाज यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। जो स्थितियाँ हैं हालांकि चुनौतीपूर्ण हैं, और ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रबंधन के लिए खास तौर पर चुनौती है कि हर मरीज़ को संभव जो भी इलाज है वो वक्त पर मिल जाए और सही तरीके से मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिल्ली के तमाम उन सरकारी अस्पतालों के बाहर का एक रियलिटी टेस्ट दिखाएंगे जिसमें कि आप देखेंगे कि आखिरकार कोविड-19 यानी कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में बाकी बीमारियों के लिए इलाज के लिए क्या क्या स्थितियाँ हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ इस रिपोर्ट पर। कोविड-19 का जो ये दौर चल रहा है उसमें खास तौर से जो क्वारंटीन को लेकर जो स्थितियां हैं, अभी हम एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर जहां पर खड़े हुए हैं, और वहां पर एक फैमिली हमारे सामने है जिनके घर की एक महिला को एम्स के अंदर कोविड-19 का इलाज जो है चल रहा है और उसको भर्ती किया गया है। लेकिन जैसे कि नियम बताया जाता है कि अगर किसी के परिवार में कोई इस तरह का पेशेंट निकल के आता है, कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसके परिवार को क्वारंटीन किया जाता है और उनको एक आइसोलेशन में रखा जाता है। लेकिन हमारे सामने एक फरीदाबाद का ये जो परिवार है आप देख सकते हैं, इनका जो महिला है इनकी जो अंदर इलाज चल रहा है उसके बावजूद भी ना तो एम्स अस्पताल प्रबंधन ने इनको कोई जानकारी दी है इस चीज़ की, और ना ही यहाँ पर किसी व्यक्ति ने आकर इनको क्वारंटीन करने का कोई प्रोसेस शुरू किया है। हम यहाँ पर इन्हीं लोगों से बात करते हैं। बताइए क्या आपके पेशेंट को क्या हुआ, क्या नाम है आपका पहले बताइए। सर मेरा नाम राकेश है। राकेश है, थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम राकेश है सर। राकेश है, राकेश ये बताइए कि आपके पेशेंट्स को क्या क्या इलाज चल रहा है अंदर एम्स में। अंदर सर एम्स में हमारे पेशेंट को कोविड पॉजिटिव बताया गया था पेशेंट को, और हमें बोला था कि अपना अपना जांच करवाइएगा। हमने अपना जांच भी करवाया था, हमारे में कोई लक्षण नहीं दिखे थे, तो उन्होंने कहा था कि आप क्वारंटाइन रहिएगा। तो हम लोग क्वारंटाइन यहाँ पर क्यों नहीं है, आप तो बाहर ही बैठे हैं अस्पताल में सबके साथ मिल रहे हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा था कि मैं और मेरा भाई अभी आए हैं, अभी सिर्फ ओनली फादर थे, हमें तो सिर्फ आज ही आए हैं। आपके कौन है जो पेशेंट है अंदर? वो हमारी मदर है सर। आपकी मदर हैं। बाकी लोगों को घर पे अभी क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? आपको तो पता ही है जब डॉक्टर्स ने अंदर बोल दिया, तो आप लोग घर पे जाके क्यों नहीं क्वारंटीन हो रहे हैं? सर क्वारंटीन हम दो भाई थे, फादर यहाँ पर मदर की वजह से रुके हुए थे, हम खाना लेकर आए थे। आपको पता है कि इस वजह से आपके फादर की जान और मदर की जान के साथ साथ आप पूरे शहर में जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं यहाँ पर उनकी भी जान आप खतरे में डाल रहे हैं? सर बट हम अभी तक तो हमने सबको बताया है, और हम लोग लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। चलिए, आप ये इनके पिताजी हैं, इनकी पत्नी है जिनको कि कोविड पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन एम्स के जस्ट बाहर ये लोग बैठे हुए हैं खुले में आराम से, जिस तरह से इस प्रशासन को और दिल्ली सरकार को खासतौर से इस पर एक्शन लेना चाहिए था। हालांकि ये लोग बताया जा रहा है कि हरियाणा से हैं, फरीदाबाद से, इनको क्या चीज़ें देकर बात की जाएगी देखना पड़ेगा। ये बताइए आप इधर आ जाइए, आपको जानकारी में था कि आपके साथ में जो लोग बैठे हुए हैं कोविड इनका पेशेंट कोविड-19 है? नहीं सर। ये जिस तरह से खुलेआम बैठे हैं क्या ये सही बातें हैं आप लोग? सर गलत है, ये गलत है जी। अच्छा ये बताइए कि आप लोग किस मरीज़ के लिए आए हैं, क्या है आपके इलाज चल रहा है अंदर? सर जो हमारा पेशेंट है, हमारा भतीजा है, उसको सर इन्फेक्शन हो गया ब्लड में, तो वह सर एम्स में भर्ती है, उसके लिए ब्लड भी मांगा है। जो ओ पॉजिटिव हम बंदा लाए हैं ढूंढ कर अपने गाँव से ही, उसके लिए ब्लड डोनेट कराना है, हमारे पास पर्ची भी है। अच्छा तो किस तरह के इलाज चल रहे हैं, स्थिति अंदर क्या ठीक है, मतलब क्या, क्योंकि जब कोविड-19 जैसे इलाज हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स की काफ़ी कमियाँ हैं और स्थितियाँ जो है बाकी जो पेशेंट्स हैं बाकी जो इलाज करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी गंभीर स्थितियाँ, उनको तुरंत जो है इलाज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगे? मिल पा रहा है सर, अब मिल रहा है। हाँ जी पूरा मिला। अच्छा
तो ये बताइए कि स्थितियाँ आप जब यहाँ अस्पताल में आते हैं और स्थितियाँ देखते हैं तो कोविड 19 के लिए आप किस तरह से सतर्कता और सख्ती जो है देख रहे हैं अपना दूरी बनाए रखते हैं सभी से, कोई अनजान व्यक्ति हमारे पास संपर्क में नहीं आए और ना हम किसी दूसरे से टच हों। ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल असल में यही है कि चाहे जैसी भी स्थिति रही हो, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है कोविड 19 का और ख़ास तौर से आप दूसरे अगर इलाज का किसी दूसरे मरे जो मर्ज का अगर इलाज कराने के लिए अस्पताल का रुख कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको सतर्क रहना होगा और स्थितियों को समझ कर रखना होगा। हालात ये दिल्ली के जो एम्स का है और साथ ही साथ दिल्ली के तमाम उन अस्पतालों में आज हम चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि वहाँ जो हालात हैं, जो मरीजों का जो इलाज चल रहा है उसका क्या तस्वीर है, वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट से। कोविड 19 के जो जिस कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का जो महामारी का दौर है उसी पूरे क्रम में जो स्थितियां हैं बाकी जो पेशेंट्स के इलाज को लेकर, इस वक्त हम एम्स के बाद अब हम सफदरजंग अस्पताल पे हैं जहां पर आप इस गेट के बाहर ही हैं। यहां हालात किस तरह के हैं, यहां पर कुछ एक लोग हमसे ज़रूर मिले हैं जो कि किसी का तीमारदार है तो कोई खुद मरीज़ है, क्या हालात है अंदर की उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मिस्टर सुमित कुमार, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप किस लिए आए थे यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर हम आए थे लगभग 11:30 बजे से, मतलब लगे पड़े 11 बजे, 11:30 बजे गार्ड से पूछा तो उसने बताया था कि जो अभी लंच हो गया 1:30 बजे के बाद खुलेगी, जाओ 8 नंबर काउंटर पे खड़ा हो जाओ। जब मैंने 8 नंबर काउंटर पे खड़ा हुआ उसके बाद 1:30 बजे काउंटर खुला, फिर वहाँ पे डॉक्टर बैठा उसके बाद बता रहा है कि आप सुबह आइए, बट इसलिए फिर मैं वापस जा रहा हूँ। तो आप पूरा सुबह से आप बता रहे हैं बैठे हुए हैं, घंटों आपने इंतजार किया है, उसके बाद आपको देखा है डॉक्टर ने या नहीं देखा? नहीं देखा सर। तो कारण क्या बताया? कारण ये बताया कि आप सुबह आइए, सुबह आने के लिए कहा आपको, मतलब देखा नहीं गया, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। नहीं, क्या बीमारी क्या है आपको? 3 साल से ये मतलब कि गांठ पर के घाव निकल रहा है, 3 साल से जूझ रहे हैं, पर यहाँ पर कोई इलाज मेरा नहीं हो रहा, जो कि हम एम्स में बताया गया कि एम्स में जाओ वहाँ पर अच्छी इलाज होगा, बट यहाँ पर भी आया और वैसे ही जा रहा हूँ। यानी कि इलाज नहीं मिल पाया? नहीं हो पाया। तो इसके लिए आपने किसी बड़े डॉक्टर या बड़े अधिकारी से या किसी से बात करने की कोशिश की? मेरा फर्स्ट बार यहाँ पे, मैंने गार्ड से पूछताछ करके अंदर गया पर कुछ समझ ही नहीं आया और ना तो इलाज के लिए आप आए थे, इलाज आपको नहीं मिल पाया? जी नहीं मिल पाया। ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, ये बताइए आपका पेशेंट है क्या अंदर दादा? हाँ जी। क्या हुआ उसको? शुगर पेशेंट है, मतलब टीबी की बीमारी है। शुगर का पेशेंट है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह का इलाज चल रहा है अंदर, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है? हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये तमाम लोग हैं जो खास तौर से जिस स्थितियों को बताया जा रहा है कि अंदर जो इलाज चल रहा है क्या क्या स्थितियों में जिनकी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि कोविड 19 का जरूर दौर है लेकिन साथ ही साथ जो और इलाज हैं उनसे उनको लेकर क्या ट्रीटमेंट है, अंदर क्या व्यवस्थाएं। आप बताइए सर किस लिए आए थे आज आप यहाँ पर, किसी को दिखाने के लिए आए थे? हम तो ड्राइवर हैं, डॉक्टरों के लिए आए। हम तो सर यहाँ सर्विस में गाड़ियाँ, ओला उबर में गाड़ियाँ। अच्छा, तो चलिए ये तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ ठीक है? हाँ जी सर, हमारे हिसाब से तो बढ़िया है। ये तो पेशेंट बोल रहे हैं इनको इलाज ही नहीं मिला सर, वो उनको शायद होगा किसी को परेशानी हो रही होगी थोड़ी बहुत, हमें तो फिलहाल में सही लगा। आपको सही लगा? हमारा काम डॉक्टरों के पास ही, हम डॉक्टरों को ही लेके जाते हैं, जब हमारे हिसाब से हम रोज 10-5 डॉक्टरों को लेके आते हैं, काम तो कर ही रहे होंगे बढ़िया, काम कर रहे होंगे। लेकिन ये जो लोग इलाज नहीं मिल पा रहा है उनके लिए कौन जिम्मेदार है सर? ये हम क्या बता सकते हैं, तो डॉक्टर ही बताएंगे। तो ये कुछ एक अस्पताल जो मैनेजमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं जिनका कहना है कि अंदर हालात ठीक है, स्थितियाँ ठीक है, लेकिन जो पेशेंट अभी भी जो ये जो नौजवान है जो 3 साल से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में पहुंचता है और यहाँ पर हालात जो है कि इनको घंटों इंतजार करने के बाद भी अभी इलाज नहीं मिल पाया और उसको अगले दिन आने के लिए कह दिया जाता है। किसकी जवाबदेही है, कौन व्यवस्था देखेगा? चुनौतियाँ हालांकि बहुत बड़ी हैं लेकिन जिम्मेदारी भी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। हमारी रिपोर्ट में जारी रहेगा आगे का सफ़र और देखते हैं अगला जो अस्पताल है उसके क्या हालात हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ।
कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें जिस तरह से इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हैं, ट्रीटमेंट पॉलिसीज़ हैं, उन पर भी इसका पूरा सीधा खासा असर है। और इस वक्त हम दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं, जहां पर स्थितियां बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसे और अस्पतालों में किए जा रहे हैं। यहां पर अमूमन जितने भी जो इमरजेंसी जो सर्विसेज़ हैं, अब उन पर भी कई तरह से जो देखा जा सकता है कि कोविड-19 का एक असर जो देखा गया, और ट्रीटमेंट पर भी इसमें जो है खासा जो है असर जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके जो रिश्तेदार हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, और ऐसी स्थिति में वो एक्सीडेंट के बाद इस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये बताइए कि क्या हुआ था, क्या नाम है आपके पेशेंट के अंदर? विकास कुमार नाम है, ब्रदर है छोटा। अच्छा, हुआ क्या था? एक्सीडेंट हुआ था गाजियाबाद मोहन नगर। तो अब क्या इलाज उसका शुरू हो पाया? अभी नहीं हुआ इलाज, जब होगा जब कोविड-19 की रिपोर्ट आ जाएगी। तो क्या कहा डॉक्टर्स ने, क्या कहा, कब हुआ था एक्सीडेंट उनका? उनका एक्सीडेंट हुआ था परसों रात। परसों रात को हुआ था, यानी कि कई घंटे बीतने के बाद में। अच्छा, तो क्या कहा उनका, कोई टेस्ट हुआ कोविड का? टेस्ट तो हो चुका है कोविड का, अब रिपोर्ट आनी रह रही है। रिपोर्ट आने के बाद में ट्रीटमेंट होगा, ऑपरेशन जो तो आखिर और जो ऑपरेशन जो होना है वो कोविड के बाद होगा। कोविड रिपोर्ट आने के बाद होगा? रिपोर्ट आने जी। क्या बोला डॉक्टर ने, क्या बोला? डॉक्टर ने ये बोला है कि पहले रिपोर्ट आने दो, उसके बाद में ऑपरेशन करेंगे। उसके रिपोर्ट आने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट तो मेरे ख्याल से सीवियर कंडीशंस होती हैं, और उसमें मतलब चूंकि अब तो मेरे ख्याल से अगर आपका परसों रात का हुआ था तो टेस्ट भी उस समय हुआ होगा, कुछ ही घंटों के बाद आप टेस्ट रिपोर्ट आने के दावे किए जा रहे हैं पूरा। आप मेरे ख्याल से आज से दूसरा दिन हो गया, तो करीब 48 घंटे के जो है पहुँचने वाले होंगे आप, जो 48 घंटे हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आई है और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, क्या मानते हैं इसका असर कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर एक जान पर तो पड़ता ही है? जान पर तो पड़ता है, बाकी हमारे जो एक्सरे वगैरह थे और उनकी और टेस्ट। हाँ, एक मिनट, अभी तक सिर्फ एक्सरे ही हुआ है, एक्चुअली जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, नहीं शुरू कर पाए हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? की वजह से वो लोग कह रहे हैं जब तक कोविड की रिपोर्ट नहीं आएगी वो लोग कुछ एक्शन नहीं लेंगे। कोविड की रिपोर्ट तो अब कुछ ही घंटों में आ रही है, अब तो ये पॉलिसी दिन हो गए ना, दो दिन पहले हुआ था ना टेस्ट, दो दिन हो गए कोविड की रिपोर्ट आज आने के लिए कह रहे हैं, वो आज आफ्टरनून तक आ जाएगी, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो ये कहाँ तक आप सही मानते हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी में तो होना ही चाहिए ट्रीटमेंट, हैंड टू हैंड ही होना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, ट्रीटमेंट तो उनका हैंड टू हैंड ही होना चाहिए, कोविड का वेट ना करा जाए। ऐसा हो नहीं रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी लूप मानते हैं सरकार से, कुछ इस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही है सर, जो पेशेंट हो पहले ट्रीटमेंट हो, बाकी बाद में उसका टेस्ट वगैरह जो भी हो बाद में हो, ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए। होता है तो उसके रिजल्ट जल्द से जल्द हो जाए, जैसे उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है बिल्कुल। तो ये हमारे साथ कुछ जिस तरह से मैंने आपको बताया तीमारदार हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर हम खड़े हुए, जहाँ पर एक एक्सीडेंट का केस, करीब 48 घंटे होने जा रहे हैं उस एक्सीडेंट को। यहाँ पर जब वो मरीज़ पहुँचता है तो उसका जो है कोविड-19 का टेस्ट किया जाता है, लेकिन अभी तक टेस्ट रिपोर्ट कई घंटे बाद भी नहीं आई है, जिसकी वजह से वो मरीज़ अभी भी इस अस्पताल के अंदर इलाज के लिए इंतज़ार में है। ये वो कुछ ऐसे चुनौतियाँ हैं जिनसे निपटने के लिए मेडिकल सिस्टम को और सरकार को ज़रूरी कदम उठाने होंगे, और देखना होगा जो कोविड-19 के जो टेस्ट हैं उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको संतुलित करते हुए, उन चीज़ों को जो है पॉजिटिवली इफ़ेक्टिव जो है करते हुए, तभी हम जो जिसको इलाज की ज़रूरत है वो इलाज वहाँ पर सामने मरीज़ों को मिल सकता हो, ये बात जो है सुनिश्चित करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में भी हम अभी जारी रखेंगे और आगे दिल्ली के अन्य अस्पताल में पहुंचकर वहां की हकीकत से भी आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल पर, जिसको कि खास तौर से कोविड इमरजेंसी घोषित किया गया, और यहां पर पूरी तरह से जो स्टाफ है, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको आगे बढ़कर थोड़ा सा दिखाए कि यहां पर जो स्टाफ है वो भी पूरी तरह से पीपी किट के साथ में, आप देख सकते हैं पूरा कोशिश जो ऊपर की तरह से मास्क पहन के वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो कोविड पेशेंट्स के लिए स्पेशली खास तौर से जो इलाज चल रहा है, और ऐसी स्थिति में कितनी गंभीरता है इलाज को लेकर, वो हम जो है यहाँ पर लोगों से कुछ एक तीमारदार हमारे साथ ज़रूर है जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए आप यहाँ क्यों हैं, किसके लिए आप यहाँ पर आई हुई हैं? मैं यहाँ अपने पापा का इलाज कराना है, वो कोविड पेशेंट हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये बताइए कि आप जो यहाँ पर कोविड पेशेंट्स के लिए आई हैं, आपको तो मतलब क्या कोई आपको क्वारंटीन किया गया, अगर आपके साथ में जो है
जब ये टेस्ट हुआ था तो आपको क्वारंटीन किया गया था? हाँ, क्वारंटीन की फैसिलिटी अभी भी हमें दे रखी है, लेकिन कोई है नहीं घर पे, इसलिए मुझे आना पड़ता है। आपको क्या, ये तो यहाँ तो आइसोलेशन है, जब आपको डॉक्टर्स अंदर ले लेते हैं तो फिर पेशेंट्स के साथ तो मतलब ही नहीं है बात करने का, तो फिर ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर आके करते क्या होंगे? सामान वगैरह तो पहुँचाना पड़ता है ना। अच्छा। जैसे पेशेंट को थोड़ा बहुत सामान, तो खाने से लेकर सारी सुविधाएं तो यहाँ मिलती हैं आइसोलेशन में? कपड़े लेते तो नहीं मिलते ना। अच्छा। वो चीज़ें लानी पड़ती है क्योंकि पेशेंट की कंडीशन अभी ऐसी है कि वो उठ के, क्या आप पीपी सूट या किट पहन के जाती हैं अंदर या फिर आपको मिला? बाहर से ही सामान दे के चले जाते हैं, वो अपने आप पहुंचा देते हैं, हमारी कॉल पे बात हो जाती है पेशेंट से, वो अपने आप पहुंचा देते हैं। अभी आप बता रही थी कि वो ऑक्सीजन का खास तौर से जब आपको बताना होता है कि क्या होता है वो पूरा? ऑक्सीजन का ये होता है कि वैसे तो वो देख लेते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि जैसे अगर कई बार नहीं देख पाते, जैसे नाइट का टाइम है वो चक्कर काटते हैं, जैसे वो देख के चले गए और थोड़ी देर बाद ही ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उसके लिए कॉल करनी पड़ती है। तो ये बताइए, ऑक्सीजन देखना सारी चीज़ें तो जब पेशेंट का ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं तो उन्हीं को देखना होगा ना, आपको आपके आप तक नौबत आती क्यों है, आपके ऊपर निर्भरता क्यों है? वो इसलिए कि वो देख के तो जाते हैं। COVID-19 इमरजेंसी, आप समझिए इस चीज़ को, और यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ पूरी तरह से कोशिश करेगा, और इस तरह से आप भी बाहर से अगर मिलती रहेंगी या जाती रहेंगी तो फिर इस तरह से तो जो स्प्रेडिंग है कोरोना का वो भी बढ़ सकता है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो ये कि उन्हें देखना तो पड़ेगा। अब जैसे इमरजेंसी में जाते हैं सुबह, वो मॉर्निंग में 4 बजे गए पेशेंट के पास और 4:30 बजे उनका ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया, वो 4 बजे देख के आए, वो कह रहे हैं हम अभी देख के आए, मैंने कहा अभी देख के आए लेकिन ख़त्म हो चुका है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। तो ये आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, अब ये तो करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। तो ये कहते हैं कि आप हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम बस पेशेंट को बोलो कि बाहर कोई भी स्टाफ उसको दिखा दे, अपने आप देख लेंगे। दिखाने की क्या बात है, कोरोना पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, आपका कौन पेशेंट है अंदर? मेरी वाइफ है सर। वाइफ है, तो मतलब COVID-19 के लिए ट्रीटमेंट हो रहा है क्या? हाँ जी। तो ये बताइए कि जो हालात है इस वक्त, आपको भी क्वारंटीन किया गया होगा क्या, कुछ ऐसा है? आपका टेस्ट हुआ? हाँ जी, करवाया था हमने अपना, तो सही आया था। तो क्वारंटीन क्यों नहीं है? तो सर, अगर क्वारंटीन है तो फिर हॉस्पिटल में तो आना पड़ता है। हॉस्पिटल का स्टाफ तो COVID-19 आइसोलेशन में जाएगा, मरीज तो वही देखेंगे, एक एक चीज़ के लिए जिम्मेदारी है, तो फिर उसके बाद में आप आके क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ सामान जो जरूरी, जो जरूरत का जो सामान होता है वो देना पड़ता है। सामान तो सारी चीज़ें सर यही मौजूद है ना, सर पर्सनल जैसे कपड़े जहाँ कोई और पर्सनल नीड, तो वो आपको नहीं लगता कि कोविड जो एक स्प्रेडिंग वायरस है, इसमें अगर आप भले ही अगर आप क्वारंटीन में हैं, अगर आप नहीं, अगर आपकी रिपोर्ट भी अभी नेगेटिव, कई बार सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो क्या नहीं लगता आपको कि आप भी जो है बाहर जब घूम रहे हैं तो इस तरह से चीज़ें और जो बढ़ सकती हैं, बदल सकती हैं, आपकी जो एज है और जो आपकी वाइफ की एज है वो भी खतरे में आ सकते हैं? हाँ जी सर। आप मानते हैं कहीं ना कहीं गलती हो रही है? बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से आपको कोई गाइडलाइन दी गई थी? नहीं है सर, प्रशासन ने आपको कोई क्वारंटीन के लिए गाइडलाइन नहीं दी, आपको घर में रहने के लिए हिदायत नहीं दी? वो जब पेशेंट घर पे थोड़ा सीरियस हो गया था तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे, पर जब वहाँ पे उन्होंने टेस्ट करवा दिया, पॉजिटिव टेस्ट आया, तो उन्होंने घर बोला भी आगे सरकारी में कराओ, तब हम जहाँ पे आए। ये हम उन वैसे तो हमारा पूरा जो रिपोर्ट है वो यही है कि अगर जो स्थितियाँ है दूसरे जो COVID-19 के पॉजिटिव के जो केसेस हैं उसके अलावा जो अन्य बीमारियां, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त हम LNJP हॉस्पिटल के, जो कि खास तौर से COVID-19 इमरजेंसी का एक सेंटर बनाया गया है, अब आप ये समझने के लिए काफ़ी हैं कि स्थितियां कि जो लोग अंदर COVID-19 का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके फैमिली जो खुद क्वारंटीन होने चाहिए थे, जिनको कि यहाँ पर आमतौर पर पब्लिक में लोगों से मिलना जुलना नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो भी आके आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर, लोग पेशेंट से मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आइसोलेशन का मतलब ही वही होता है और क्वारंटीन का मतलब ही वही होता है कि आप किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क में नहीं आएंगे, और पर्टिकुलर जब तक वो आप पॉजिटिव आपका जो चीज़ें आपका मरीज और आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आप जो है आइसोलेशन में रहेंगे, अंदर रहेंगे, आप बाहर किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने सुना यहाँ मरीज के जो तीमारदार हैं उनका खुद का कहना है कि जब मरीज़ की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो उनको फ़ोन करके डॉक्टर को और मेडिकल स्टाफ को ये सूचना देनी पड़ती है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। आखिरकार कैसा आइसोलेशन सेंटर हम ये मान सकते हैं जब लोगों के बीच में तीमारदारों को ही आकर ये करना, और कोविड जैसी गंभीर बीमारी, संक्रमित जो वायरस है उसके पेशेंट्स को लेकर अगर तीमारदार को यही करना है, जिसके लिए क्वारंटीन सेंटर्स के तमाम दावे दिल्ली सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, तो आखिरकार नतीजा ये है। COVID-19 को हमें समझना होगा और इसके जो संक्रमण से जो साइड इफेक्ट हैं, इसके लिए एहतियात है, गाइडलाइंस है, क्या वो सिर्फ
कागजों तक सीमित हैं, भाषणों तक सीमित हैं, क्योंकि हकीकत में ये नतीजा सामने निकल के आता है, जिसके लिए अब आम आदमी को सोचना होगा कि हमारा देश जो मेडिकल ट्रीटमेंट पॉलिसी पर चल रहा है, वो LNJP जो कि खासतौर से कोविड इमरजेंसी का जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ ये हालात है, तो बाकी के अस्पतालों के हालात क्या होंगे, ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। इसी रिपोर्ट पर अभी हम जारी रखे हुए हैं और हमारा सफ़र जारी रहेगा, जुड़े रहिए हमसे। LNJP में अभी हम लोग दो लोगों से बात किया, अभी हम यहाँ से निकलने वाले थे कि एक और एक मामला हमारे सामने है जिसके शायद हम बात अभी करेंगे। ये बताइए मैडम, इस तरफ आ जाइए, क्या नाम है आपका? अलीजा। ये बताइए अलीजा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं और यहाँ आई क्यों हैं? खाना देने के लिए आई हूँ। किसको? अपने फादर को। आपके फादर किस ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर हैं? कोविड के लिए। तो यहाँ आपको क्यों आना पड़ रहा है खाना देने के लिए? खाना तो अंदर से हॉस्पिटल से ऑलरेडी दिया जा रहा है। उनका खाना सूट नहीं करता, उनकी ना तबीयत खराब हो गई जब से उन्होंने खाना स्टार्ट किया। जब 7 डेज हुआ यहाँ पे, जब 7 डेज हुआ तो उनकी ना तबीयत बहुत खराब हो गई थी। लिटरली हमें फ़ोन करके कहते हैं मैं यहाँ बड़ा बड़ा मर जाऊँगा। तो हमें तब से फिर मैंने आना स्टार्ट किया और 21 डेज हो गए आज। ये खाने की जो जिम्मेदारी अलीजा, खाना तो मरीजों के लिए डॉक्टर्स ही यहाँ पर देखेंगे और वो तय करेंगे कि उनको कैसा खाना खाना चाहिए और जो ज़रूरी होगा वह वैसे ही देंगे। बॉडी को वो खाना सूट नहीं कर रहा, तभी उनको वॉमिटिंग हो रही है, उनको लूज मोशन हो रहे हैं, तभी हम लोग, हमारे घर में तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। तब क्या किसी डॉक्टर्स ने आपको अपील किया कि आप यहाँ आकर खाना देकर जाइए इनको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई डॉक्टर ने अपील नहीं किया, बट मेरे को खुद से है कि वो बीमार है और अच्छा, अब खाना अच्छा खा रहे हैं तो इज फाइन नाउ। आपको नहीं लगता कोरोना जो इससे एक स्प्रेडिंग वायरस है और यहाँ इस वायरस से निपटने के लिए आपको भी क्वारंटीन होना चाहिए प्रॉपर्ली और उनके साथ कम से कम संपर्क हो जब तक इलाज होके बट ठीक ना हो जाए? मुझे 14 डेज में क्वारंटाइन में थी, उसके बाद मैंने 7 डे तक पापा यहाँ का खाना खाते थे, 8 डे से मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया, बिकॉज उनको 7 डे के बाद उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो तब से मैंने फिर आना स्टार्ट किया, तो अब मैं 21 डेज हो गए उनको अभी भी यहाँ पे। आपका कहना है कि यहाँ पर जो खाना दिया जा रहा है वो ठीक नहीं दिया जा रहा? मेरे हिसाब से नहीं अच्छा खाना, वरना तो उनको मुझे इतना दूर से आने की जरूरत, मैं अपना ऑफिस छोड़ के सिर्फ अपने फादर के लिए मैं घर पे बैठी हूँ, बाकी मैं उनको अच्छा खाना खिलाने के लिए आप हो। आप COVID-19 जैसे हालात समझती हैं, मानती हैं ना कि बहुत बड़ी लापरवाही है? बिल्कुल मैं समझती हूँ, बट मेरे को अपने फादर को, तो मैं वही कह रही हूँ, मैं अपने ऑफिस छोड़ के अपना घर बैठी हूँ ताकि मैं अपने फादर को अच्छा खाना खिला सकूँ। आप भी दादा कुछ हमसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप, क्या बता रहे थे, क्या दिक्कत है? उनको पहले शुगर का बीमारी की वजह से हम जो मुनीरका हॉस्पिटल में लेके गए, मुनीरका जने के एक्टवा जो हॉस्पिटल जन को, उसमें वहाँ से जो है कि कल एडमिट करा। एडमिट होने के बाद उनको सारे टेस्ट वगैरह हुए, शुगर के BPL BP का एक्सरा और जो सर का भी सिटीजन हुआ। उसके बाद फिर आज बताया कि उन्होंने कि उनको थोड़ा लक्षण आएंगे कुछ, और जो लक्षण जो बताते वो ऐसे कोई लक्षण उनको कभी महसूस ही नहीं हो रहे। हाँ, तो चलिए उनको आप ले आए यहाँ पर, तो क्या आपको क्वारंटीन के लिए बोला गया, आपका टेस्ट हुआ है? नहीं, मेरा अभी नहीं टेस्ट हुआ। अभी आपका टेस्ट नहीं हुआ है? नहीं। आपको कोई क्वारंटीन घर में से रहने के लिए बोला या कुछ करने के लिए बोला? तो मैंने तो अभी मेरे से कुछ बोले ही नहीं, बताए बस उनको एडमिट करके जो है कभी आया हूँ। तो देखिए स्थितियाँ साफ है कि जो COVID-19 का जो स्थितियां हैं, गंभीरता है, उसे समझने के लिए ज़रूरत है कि उसके ऊपर अप्लाई भी किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। लेकिन जो भी जिस तरह से इन दादा ने बताया कि इनकी पत्नी को, जो कि अब COVID-19 पॉजिटिव, शायद हो सकता है कि उनके अंदर कुछ स्थितियां हो, इसी वजह से उनको LNJP का कोविड इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन आप देखिए, चाहे वो अलीजा का केस हो जिसमें कि उनके पिता को खुद जो है COVID-19 का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो मजबूर है कि उनके पास वो खाना यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उनको घर से खाना लेकर आके या देना पड़ रहा है। वो अलीजा जिसको कि खुद को क्वारंटीन होना चाहिए और मरीज का कम से कम इंट्रैक्शन बाहर रहे, आप सोचिए जो हालातों के दावे किए जा रहे हैं उसकी एक खुलती परत यहाँ पर सामने है, जिसको ये नहीं पता कि उनको क्वारंटीन होना चाहिए या फिर उनका टेस्ट भी किया जाना है, ये उनको जानकारी नहीं है। और एक ऐसी बेटी जिसको मजबूरी में अपने घर से अपने पिता के लिए, जिसका COVID-19 का ट्रीटमेंट LNJP हॉस्पिटल में चल रहा है, उसको यहाँ पर खाना देने के लिए आना चाहिए। तो हम आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, हम कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए हम जो है तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये कितनी बड़ी लापरवाही है, इसका जवाब आपके जहन में आप खुद आ चुका होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी के साथ साथ इसी जैसे तमाम मामले आप तक हकीकत जनसत्य न्यूज़ पहुँचाएगा, जुड़े रहिए हमसे।
देश में कोरोना महामारी की जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर आज हम दिल्ली और एनसीआर के तमाम उन अस्पतालों पर सर्वे कर रहे हैं जिसमें कि ये जानना ज़रूरी है कि कोविड 19 पॉजिटिव केसेस के साथ साथ जो बाकी अन्य बीमारियां हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट की हालात क्या हैं। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ दिल्ली के अगर अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर दूसरी अन्य बीमारियों की स्थितियाँ तो छोड़िए, लेकिन जो सबसे गंभीर चुनौती इस वक्त देश के सामने है, दुनिया के सामने है, वो है कोरोना संक्रमण। और यहाँ जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। जो स्थितियाँ हैं वो लगातार जितनी गंभीरता की दुहाइयाँ जो दी जा रही हैं दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से जितने भी दावे पेश किए जा रहे हैं वो दरअसल धरातल पर आते आते धराशायी होते नज़र आ रहे हैं। इसके तमाम उदाहरण आप पहले की हमारे रिपोर्ट्स में देख चुके हैं। इसके बाद अब हम दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में, जो कि खुद भी एक कोविड 19 सेंटर है, पॉजिटिव जो मरीज़ हैं यहाँ पर उनके यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है लगातार। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी हम सेंटर्स पर विज़िट कर रहे हैं, ख़ासतौर से वो जो हॉस्पिटल जो दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि उनको कोविड 19 के लिए भी ख़ासतौर से प्रिपेयर किया गया है और तमाम फैसिलिटेशन यहाँ पर जो की गई है। आज इसी विषय पर हम फिर से यहाँ पर कोई हमारे साथ तीमारदार है जिनके पेशेंट्स यहाँ पर रेफ़र किए गए हैं, उन्हीं लोगों से बात करेंगे। सर ये बताइए कि क्या नाम है आपका, कहाँ रखे रहने वाले हैं आप बता दीजिए। नाम तेजिंदर है, अर्जुन नगर साउथ दिल्ली में रहते हैं, साउथ दिल्ली में। अच्छा, किस तरह का पेशेंट है आपका यहाँ पर? उनको थोड़ा काउंसिल्स में नहीं थे, थोड़ा तकलीफ थी, तो उसमें मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में लेकर गए थे, तो उन्होंने प्राइमरी टेस्ट किया, उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया, एम्बुलेंस से यहाँ भेज दिया उन्होंने। क्या उनका कोई कोविड 19 टेस्ट हुआ था? कोई रिपोर्ट उन्होंने नहीं बताया, अच्छा टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट दिए, कुछ नहीं बताया। कागज़ थे, वो उन्होंने कहा कि थोड़ी कंडीशन सीरियस है तो हम आपको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ फर्दर ट्रीटमेंट होगा जो भी होगा। यानी कि कोविड 19 सेंटर में भेजा गया है, तो यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें कि खासतौर से ये है कि जब भी कोई कोविड 19 पेशेंट या सिम्टम्स को जैसे दिखते हैं तो उसका टेस्ट कराया जाता है और टेस्ट के बाद उसको कोविड 19 आइसोलेशन सेंटर्स के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि ये बता रहे हैं जिस तरह से कि वो सस्पेक्टेड केसेज है, अभी उनका टेस्ट हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, उनकी जानकारी नहीं है और उनको कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई गई, जानकारी नहीं दी गई, सीधे उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। उनके बेटे हमारे साथ हैं, ये बताइए आपका नाम क्या है, क्या है आपके पापा का नाम? पापा का नाम चंचल कुमार। अच्छा ये बताइए कि हुआ क्या था, किस तरह से आपको यहाँ पर आपके पेशेंट को यहाँ पर वो ट्रांसफ़र किया गया, क्या जानकारी दी गई अभी तक, किस तरह का इलाज मिल रहा है? मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में गए थे तो उन्होंने वहाँ पे 3 टेस्ट लिया और एक एक्सरे लिया लंग्स का, तो उन्होंने कहा लंग्स में इन्फेक्शन है और चेस्ट में इन्फेक्शन है, तो उन्होंने फिर हमें रेफ़र कर दिया। हम 12 बजे गए थे, 5 बजे करीब उन्होंने हमें एम्बुलेंस में बिठाकर रेफ़र कर दिया और उनका यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बेड्स खा लिया, और अगर ज़्यादा उन्होंने कहा ना आसपास के लिए करोगे आप ट्राई तो आपको बेड्स भी नहीं मिलेंगे, तो हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आके इन्होंने इमरजेंसी वार्ड नंबर 53 में रखा 6 घंटे और हमें घुसने भी नहीं दिया। अभी तक हमें पता ही नहीं, 24 आवर्स होने वाले हैं, कोई हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है पेशेंट की। अच्छा कोई टेस्ट हुआ उनका या फिर कोई रिपोर्ट आप तक दी गई हो या कुछ बताई गई हो? गार्ड से पता करा तो वो कह रहे हैं कि 3 दिन 72 आवर्स में कोई रिपोर्ट आएगी, अगर नेगेटिव है तो वो वैसे भेज देंगे घर। अच्छा आप लोगों को भी क्या कोई क्वारंटीन करने के लिए कुछ कहा गया या फिर आपको घर पर रुकने के लिए या कोई हिदायत इस तरह से दी गई? मदन मोहन मालवीय ने तो कोई नहीं दी और यहाँ पे भी अभी तक तो कुछ नहीं कहा है, कोई इस तरह से नहीं कहा गया। अच्छा आपकी खुद की जानकारी में है जब कोई किसी जगह पर या किसी परिवार में कोई कोविड 19 पेशेंट निकलता है तो उसके परिवार को भी क्वारंटीन किया जाता है और उस जगह को मतलब दूसरों से अलग कर दिया जाता है, कुछ ऐसा आपको जानकारी है? हाँ जी है, पता होना चाहिए था या नहीं? होना चाहिए था, पर अभी वो मदन मोहन मालवीय के एक डॉक्टर ने कहा था कि सस्पेक्ट हैं अभी, ये कन्फर्म नहीं है उन्हें, क्योंकि हमारे साथ ना इमरजेंसी बेड नंबर 1 और 2 थे तो उन दोनों को हमें एक साथ ही कर दिया अलग अलग एम्बुलेंस में, तो उन्होंने कहा कि अभी कंफर्म नहीं है पर सस्पेक्ट के तौर पर उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया कि यहाँ पे होगा आपका ट्रीटमेंट, ऐसे बोल के। तो आप यहाँ पर कैसे हैं, क्योंकि वो तो आइसोलेशन में होंगे, आप यहाँ क्यों आए? हम ऐसे ही आए थे कि हाल ऐसे एक बार पूछना आपका स्टेटस और उन्हें थोड़े क्लोथ्स देने आए थे। क्लोथ्स यहाँ पर बाकी खाने पीने की जो स्थितियाँ हैं व्यवस्थाएँ हैं वो ठीक हैं? पापा के लिए, हमारे लिए, पापा का तो अभी तो कुछ पता नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला उनको क्या है, हमें कोई बात ही नहीं हुई हमारी स्टेटस के लिए, कुछ नहीं है। तो ये वास्तविक स्थितियाँ हैं जो धरातल पर जब जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, किसी भी पेशेंट को जब आप कोविड 19 के लिए जब सस्पेक्ट भी देखते हैं तो उसको जो जिस तरह से टेस्ट कराया जाता है, टेस्ट के बाद रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट्स किसी पेशेंट के किसी कंसर्निंग पर्सन या फिर उसके किसी तीमारदार को बताना हो या नहीं बताना हो ये देखने वाली बात है। सवाल यही है कि जो कोविड 19 का जो ट्रीटमेंट पॉलिसी है दिल्ली सरकार के पास में और दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में, वहाँ जो स्थितियाँ हैं वो बड़ा संशय में हैं।
अभी कोई भी व्यक्ति जो भी कोविड-19 जैसी चीज़ों को लेकर चल रहा है या अन्य बीमारियों की बात करें, तो जब हम अन्य बीमारियों की स्थितियां तब देख सकते हैं जब यहां पर देखने को हमें जो स्थितियां कोविड-19 पेशेंट्स को साथ ही जब यहां पर जस्टिफिकेशन नहीं दिख रहा, तो बाकी स्थितियों में किस तरह से चुनौतियाँ होंगी ये सामने है। और समझदारी वाली बात है कि हर इंसान समझ सकता है कि जो स्थितियाँ यहाँ पर दूसरे जो मरीजों के लिए या तीमारदारों के सामने है कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं, गंभीरता है, हर व्यक्ति परेशान है। कोविड-19 इस समय दुनिया भर में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में जो लोगों की जो जान ले रही है, और भारत भी अब इसके लिए सामने जो लगातार बड़ा जो चुनौती के रूप में इसको लेके देखने की बात कर रहा है। लेकिन जो सरकारी दावे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो दावे हैं धरातल पर, वो धराशायी होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से कोविड-19 के पेशेंट्स की लगातार संख्या देश में बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में दिल्ली के सरकारी अस्पताल किस तरह से अपने ट्रीटमेंट पॉलिसी में बदलाव लाते हुए बेहतर से बेहतर करके मरीजों को बेहतर इलाज देकर और उनके परिवार को क्वारंटीन करके किस तरह से और कब तक कोविड-19 को इस देश से मुक्त करा पाते हैं। अपनी इस विशेष रिपोर्ट में अपने सहयोगी कैमरा मैन आपके साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, दिल्ली।